वेलकम टू टाइम्स लाइक गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हमारे साथ है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि है बीगोस की तरफ से, बीगोस RUV 350। अब इसका कंपनी ने नाम दिया है RUV और कहा गया है राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल, और 350 इज द नेम ऑफ दिस स्कूटर। अब क्या क्या आपको स्कूटर में मिलने वाला है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोई भी ओपिनियन वगैरह शेयर नहीं कर सकता, अगर उसका पूरा रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो 25 जून को 10th साइकिल सोशल हैंडल्स पे वो आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस बीगोस में राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल जिसे कंपनी कह रही है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के फ्रंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रंट से देखेंगे आपको उसका स्कूटर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कैसा लग रहा है आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही फिर यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो LED हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलती है क्रोम इसके सराउंडिंग। इंडिकेटर्स भी आपको इसके अंदर LED वाले ही नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश में ये प्लास्टिक पार्ट मिल जाता है। बीगोस यानी कि BG की बैजिंग यहाँ पर, ब्रांड लोगो जो है यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट हाउसिंग मिल जाती है। कंपनी कहती है कि इसके अंदर मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक है। और बाकी पूरा पैनल आप ये वाला भी देखेंगे, ये वाला भी, ये सब आपको मेटल का इसके अंदर जो है मिलने वाला है। सस्पेंशन कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, और साथ ही इसके अंदर मिलते हैं आपको 16 इंचेस के लार्ज अलॉय व्हील्स। तो फ्रंट से जो है ओवरऑल स्कूटर कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। फिर साइड से यहाँ पर देखते हैं तो साइड से यहाँ पर आपको जो है RUV 350 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक साड़ी गार्ड मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो फुटरेस्ट है वो आपको रियर पैसेंजर के लिए यानी कि पिलियन के लिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी ब्रॉड जो है इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। फिर साइड से बात आती है तो इसके अंदर आपको मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। बूट में तो आपको स्टोरेज स्पेस मिलता ही है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का बूट स्पेस जो है मिलने वाला है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको दो स्टोरेज स्पेसेस और अलग से मिलते हैं। एक स्टोरेज स्पेस आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मिलता है, और एक इसके अंदर, एक आप अगर इसका फुट मैट हटाते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है। कंपनी ऐसा कहती है कि यहाँ पर आप अपना चार्जर या फिर कोई छोटा मोटा सामान जो है ईजिली प्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप जगह देख सकते हैं, कुछ इस तरह की जगह आपको इसके अंदर मिलने वाली है। सो ऑल ओवर जो स्कूटर है वो साइड से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। बाकी रियर से बात करते हैं तो रियर से आपको ये ग्रैप हैंडल जो है इसके अंदर मिलने वाला है, और साथ ही यहाँ पर मिलती है आपको LED टेल लैंप और LED इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप इसका मड गार्ड देख सकते हैं, और एक इसका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह का आपको दिखाई देने वाला है। इसके अंदर रियर अलॉय व्हील भी आपको 16 इंचेस के ही मिलने वाले हैं। बाकी इसकी सीट के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबी सीट इसके अंदर जो है मिलती है, कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक हुक मिलता है, इसके अंदर USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, की लगाने का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है, उसकी की जो है आपको कुछ इस तरह की फ्लिपेबल वाली मिल जाने वाली है। एंड फिर यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये इसके अंदर एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। एंड साथ ही यहाँ पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है, और साथ ही साथ रिवर्स मोड भी इस स्कूटर में मिल जाने वाला है। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी बैटरी क्या है, वो सब जानने के लिए आप 25 जून को टाइम्स लाइक के सोशल हैंडल पे इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, क्या थॉट्स हैं आपके इस ऑल ओवर स्कूटर के रिगार्डिंग, बीगोस RUV 350 के रिगार्डिंग, प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स लाइक को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।